बड़ी खबर, सूरत से मौलवी की गिरफ्तारी हुई। मौलवी की गिरफ्तारी के बाद जो चैट सामने आया है उसमें कई और खुलासे हुए हैं। चैट में हत्या करने की बात भी सामने आई है, हत्या के बदले पैसे देने का ऑफर भी है इस चैट में, और इसी चैट में उपदेश राणा की फोटो भेजी गई है। चैट में राणा के मर्डर की साजिश की बात भी कही गई। तो देखिए, जैसे जैसे टाइम बीत रहा पूछताछ हो रही है, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सूरत से जिस मौलवी को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद उस चैट में कई बातें सामने आ रही है। चैट भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौलाना सोहेल की चैट है ये, जिसमें लिखा हुआ है ये उपदेश राणा जो है उनकी तस्वीर और मर्डर की बात कही गई है और पैसे देने का ऑफर भी दिया गया है। चैट में उपदेश राणा की फोटो भेजी गई है। देखिए, पैसे मिल जाएंगे ये बात भी इस चैट में कही गई। जो मोबाइल बरामद हुआ है जो मौलाना के पास से, उससे अब एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। डी राजा नुपुर शर्मा के साथ साथ उपदेश राणा, जी हाँ, उपदेश राणा की भी हत्या की बात इस चैट में सामने आई है कि हत्या की जाए, बदले में पैसे दिए जाएंगे। नेपाल, पाकिस्तान और कई अलग अलग देशों से संपर्क की बात भी सामने आ रही है। मौलाना सोहेल की चैट हम आपको दिखा रहे हैं। इस चैट से कई खुलासे हो रहे हैं और कहा यह जा रहा पूछताछों के तौर भी कई खुलासे हो सकते हैं। और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने किया नाकाम। आपको बता दें, हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सोहेल को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। गुजरात के सूरत से गिरफ्तार मौलवी को लेकर बड़ा खुलासा। नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह को मारने का टारगेट था बड़े हिंदुवादी नेताओं की, हत्या की साजिश रच रहा था मौलवी। रिपब्लिक भारत से बोले सूरत के पुलिस कमिश्नर, कहा आरोपी मौलवी से पूछताछ लगातार जारी, सेंट्रल एजेंसियों से भी संपर्क, विदेशी कनेक्शन खंगाले गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला, हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद, चार जवान घायल, इलाज चल रहा है। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सेना के जवानों ने घेर लिया है। आपको बता दें, सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, हमले के बाद की तस्वीरें भी आई सामने। कोलकाता में बीजेपी नेता शशि गौंड पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, हमले में गंभीर रूप से घायल हुई बीजेपी नेता, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर मेरठ में नकाबपोशों ने व्यापारी पर की फायरिंग, बताया जा रहा है कि ये जो घटना घटी है, चार हमलावरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है, लेकिन सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड भी हुई। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बिहार में नहीं रहेगी बीजेपी, बिहार ऐसे झूठ को नहीं करेगा बर्दाश्त। बिहार के लोग अब समझ चुके हैं, इनको अब जो है सबक सिखाना है भाजपा के लोगों को। ये बड़का झूठा पार्टी वाले लोग, बिहार जो है तय कर चुका है कि इस बार जो है इनको हराएंगे और केंद्र में महागठबंधन इंडिया सरकार बनाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हिंदूपुरम में चुनाव प्रचार किया और जनता से वोटों की अपील की। सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा हार के डर से लोग झूठे भ्रामक प्रचार और प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं, लड़ना है तो सामने से लड़ो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वॉकथॉन का आयोजन, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में मेगा रोड शो, नामांकन से पहले भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के इटावा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, भरतना विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चार लोकसभा क्षेत्र की संयुक्त विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, 10 साल बाद पीएम करेंगे यहां जनसभा। बिहार के दरभंगा से पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बोला हमला, कहा जैसा एक शहजादा दिल्ली में है वैसा एक शहजादा पटना में भी है, दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी समेत लालू यादव पर भी जमकर साधा निशाना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेना को हिंदू मुसलमान की नजर से देखती है आरजेडी। वो बांटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं।
ये मोदी ने दरभंगा में चुनावी प्रचार के दौरान लालू यादव का नाम लेकर बोला बड़ा हमला, कहा रेल मंत्री रहते कार सेवकों को जिंदा जलाने वालों को बचाने की कोशिश की थी। टिकट बंटवारे को लेकर प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस पर बोला हमला और कहा कि रायबरेली से प्रियंका को टिकट ना देना कांग्रेस की साजिश, 4 जून के बाद पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। यूपी की सियासत में बढ़ सकती है फिर से सियासी हलचल, बीएसपी के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य, जल्द कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान, सूत्रों से मिली जानकारी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल गांधी ने बहन का हक मारा, ना ये बहन के हुए ना जीजा के, बिना नाम लिए दिग्विजय कमलनाथ को इशारों में बताया राहुल और केतु। यूपी के मऊ में दलित परिचय समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, लोगों ने राजभर का किया भव्य स्वागत। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जनगणना को लेकर फिर से दिया बयान और कहा कि सिर्फ जाति जनगणना नहीं आर्थिक सर्वे भी करवाया जाएगा। राहुल गांधी के बयान को लेकर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी अपने बेहद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहां ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले राम मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, कहा रामलला की कृपा बनी रहे, जिस उद्देश्य से वो आ रहे हैं उसकी पूर्ति हो। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं, शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो। और चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड डीजीपी का बयान आया सामने, का चारधाम यात्रा के दौरान हम विशेष रूप से तैनाती करते हैं, अलग से भी होमगार्ड और सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है कि जो अधिकांश यात्री और वाहन बाहर से आते हैं उनको हिल ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता, तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं। सभी तीर्थयात्रियों से अपील करूंगा कि वो अपने स्तर से भी इस बात का एहतियात रखें। यूपी के महोबा में उड़नदस्ता टीम ने कार से बरामद की लाखों की नकदी और कैश, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की, लोकसभा चुनाव के तहत चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दूल्हे का इंतजार करती रह गई दुल्हन, दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के शामली में आरजेडी विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, मामले में समर्थकों ने जताया था आक्रोश। दिल्ली के केशवपुरम में 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत का मामला आया सामने, दुकान में मिले 2 बच्चों के शव, शरीर पर हल्के जख्मों के भी निशान मिले, घटना के बाद से पता गायब, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। गाजियाबाद में अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, भट्टा व्यापारी योगेंद्र शर्मा की हत्या के आरोपी है 3 बदमाश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुएं में गैंगस्टर की लाश मिलने से मची सनसनी, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था बदमाश विशाल यादव, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली से बड़ी मात्रा में कैश बरामद, तुगलकाबाद में एक लग्जरी कार से मिले 2